देवरा मूवी वैसे तो तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से आया है, लेकिन उसमें बॉलीवुड ने भी अपना गंदगी भरपूर तरीके से डाल दिया है। वो भी रिव्यू करेंगे आज। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। जिसका आइडल तैमूर हो, तैमूर को अपना बाप समझता हो, वो यदि किसी मूवी किसी प्रोजेक्ट किसी भी धंधा से जुड़ेगा तो वो अपना गंदगी तो फैलाएगा ही फैलाएगा ना। जो अपना हीरो किसी आतंकवादी को मानता हो, इस्लामिक टेररिस्ट को मानता हो, वो तो चाहे जो काम करे, चाहे जूस का दुकान करे तो मूत्र उसमें मिला ही देगा, या कोई ढाबा चलाए थूक कहीं खिलाएगा आपको, या फिर किसी फिल्म में काम करे वहाँ भी अपना हिंदू घृणा तो फैलाएगा ही फैलाएगा ना। तो उसने इस मूवी में भी फैलाया है, जिसका कोई भी जरूरी नहीं था। जैसे ही मूवी शुरू होगा आपको एक कहानी सुनाया जाएगा। 1996 में भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उस क्रिकेट वर्ल्ड कप को दो आतंकवादी, वो भी हिंदू आतंकवादी टारगेट करना चाह रहा है, वो भी मिडल ईस्ट से पैसे लेके। जी हाँ, यही कहानी आपको शुरू में सुनाया जाएगा, जिसका इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आप पूरा मूवी देखोगे तो पूरा मूवी आपको टिपिकल तेलुगु स्टाइल में ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये शुरू का और बीच में जैसे डायरेक्टर या फिल्म मेकर्स कोशिश कर रहा हो इस मूवी में कोई भी हिंदू सिंबल अच्छी तरीके से ना दिख जाए, इससे बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश किया है फिल्म मेकर्स। अब फिल्म मेकर्स की क्या मजबूरी थी ये तो वही बताएगा, लेकिन हम गैस कर सकते हैं बॉलीवुड जहाँ जाएगा अपनी गंदगी तो फैलाएगा ही ना। हो सकता है वो काम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शर्त रखा हो कि आपको हिंदू किसी भी सिंबल को नहीं दिखाना है अपने मूवी में, हिंदू को आप प्राउडली बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। हो सकता हो, ये मैं गैस कर रहा हूँ, शायद ऐसा हुआ हो। मूवी देखने के बाद से तो ऐसा ही लगता है, जबकि पूरा मूवी ऐसा है, इसकी कहानी ऐसा है कि इसमें भारतीय इतिहास को, भारतीय परंपरा को, हिंदू के सिंबल को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था, लेकिन नहीं दिखाया गया। उससे बचने की कोशिश किया गया है इस मूवी में। जूनियर एनटीआर का इसमें डबल रोल है और उसने अपना काम अच्छी तरीके से कर दिया, और भी जितने भी कलाकार हैं सब ने अपना काम कर दिया, लेकिन तैमूर का बाप आपको खटकेगा, आपको लगेगा कि इसका क्या जरूरत था, इसके जगह पे तो कोई भी एक नया सा भी होता तो इससे ज़्यादा वो अपना प्रभाव छोड़ देता। जानवी कपूर वो तो आपको झेला भी नहीं जाएगा बिल्कुल, मैं आपको सही से बता रहा हूँ, वो बिना मतलब का है इस मूवी में, उसकी जगह इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ना वो एक्टिंग कर पाई है, ना ही उससे डांस हो पाया। हाँ, ग्लैमर थोड़ा बहुत अपना वो बिखेर दी है बस, उसके अलावा तो इस मूवी के ऊपर बोझ ही है। शुरू में जो आपको कहानी सुनाया जाएगा उसका इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मूवी की कहानी चली जाती है गांव में, उस गांव का इतिहास हमें बताया जाता है कि उस गांव के लोगों ने कैसे अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था। वो लोग अपने गांव के पास समंदर में एक भी अंग्रेज शिप जाने नहीं देता था, सबको लूट लेता था, उसको तबाह कर देता था। लेकिन अब अंग्रेज तो चला गया, वो काम उन लोग का छूट गया है, बहुत साल बीत चुका है, उसके ही अगले आने वाले पीढ़ी फिर से वही काम शुरू कर देता है कुछ आदमी के कहने से, गैंग बनाकर। उसी गैंग में से एक आदमी देवड़ा उठ खड़ा होता, नहीं हम लोग ये काम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, लेकिन गांव वाला नहीं मानता है। अब देवरा कैसे अपने पूरे गांव वाले को मनाता है, उससे लड़के उसको समझा के अपना सिंबल छोड़ के, यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस मूवी में। मूवी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस हिंदू घृणा डाला गया इस मूवी में, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। यदि वो ना होता और प्राउडली हिंदू सिंबल को दिखाता तो ये मूवी जरूर कमाल करके दिखाती, हिंदी में भी और साउथ में भी। मेरे तरफ से इस मूवी को 5 में से 3 स्टार। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।